आज जो बच्चे हैं वो यहाँ हैं और जो अंदर है उनके बारे में थोड़ी अच्छी खबर आई है वो पहले देना चाहती हूँ। दिल्ली उच्च न्यायालय में गौतम नवलखा के ऊना में स्थानांतरण पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा कि उनके सामने जो कागजात पेश किए गए हैं उनके आधार पर कोई मामला बनता ही नहीं, लेकिन फिलहाल गौतम पुलिस की सुरक्षा में दिल्ली के अपने ही निवास पर रहेंगे, उन्हें केवल अपने वकीलों से मिलने दिया जाएगा, ये भी कम है। और कल सुबह मामले की सुनवाई फिर से होगी क्योंकि वो मई महीने से जेल में पड़े हैं केवल इसलिए कि वो यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने पैलेस्टाइन का समर्थन करते हुए वापस लौटे और गिरफ्तार होने के बाद उनको छोड़ा जाना था क्योंकि नहीं जम रहा था कोई सेक्शन, तो उन पर और दूसरे सेक्शन लगाकर बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार के पुतले को हार डालने के लिए वो जिस रैली में शामिल हुए थे उसके नाम पर उसके कारण उनको गिरफ्तार करके आज तक रखा गया है। अब क्या कहेंगे, ऐसी घटनाएं तो हर जगह है, वो मोहसिन खान पूना से लेकर चेन्नई तक है, भीमा कोरेगांव से लेकर ग्वालियर के दलितों को जेल में रखा है वहां तक है, और अब वो सुधा भारद्वाज और आनंद तेलतुंबड़े और गौतम नवलखा और तमाम मेरावार राव और सप्रा ने अब किसी विश्वास करना किसी धारा में, लेकिन सशस्त्र संघर्ष न करना, हाथ में शस्त्र भी लेना जिनको जमेगा नहीं हाथ काटेंगे, ऐसे लोगों को भी माओवादी कहना केवल नहीं एक प्रकार से हिंसक कहकर आतंकवादी कहकर गिरफ्तार करना ये व्यवस्था की भूल नहीं तो क्या है। अगर ऐसा ही सोच के जाए तो स्टेट इज द मोस्ट वायलेंट एंड टेररिस्ट स्टेट क्योंकि उनके पास इतना सारा एमिनेशन और मिलिट्री है, सरकार हुसैन के पास नहीं था तो भी कहा गया यहां तो है, तो कौन किसको कैसे जज करे। डेमोक्रेसी के अलग अलग पिलर स्तंभ एक एक को उधई लगी हुई है, उधई मतलब वाइट है। जो अडानी का सीईओ खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन का चेयरमैन बनकर हमारे सामने सच झूठ करना हमारे लिए मुश्किल कर देता है, ऐसे व्यक्ति के सामने इस व्यवस्था के अंदर लड़ना आसान नहीं है और ऐसा ही अनुभव हर आंदोलन को कहीं ना कहीं आ रहा है, हम सबको आ रहा है। पर जब तक नदियां जिंदा है बहती है तब तक आंदोलन भी जारी रहे।